झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें गिरने की वजह से घरेलू बाजार में भी कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। बता दें, दिल्ली में लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव गिरावट के साथ बंद हुए। देसी तेलों की मांग होने के बीच मूंगफली और बिनौला तेल के भाव जहां स्थिर रहे, वहीं सरसों तेल की कीमतों में गिरावट रही है। बाजार सूत्रों ने कहा है कि मलेशिया एक्सचेंज में कारोबार में बाजार 7% टूटने के बाद फिलहाल 4.25% कमजोर है, जबकि शिकागो एक्सचेंज में फिलहाल ये 1.5% की गिरावट इसमें देखने को मिली है। वहीं विदेशी बाजारों की इस गिरावट के कारण सोयाबीन, डिगम, कच्चा पाम तेल और पामोलियन तेल कीमतों में गिरावट आई है। विदेशी बाजार टूटने के बीच आयातित तेलों के मुकाबले देसी तेल तिलहनों के दाम में मामूली गिरावट देखने को मिली है। बाजार सूत्रों ने कहा है कि देश में सरसों की उपलब्धता लगातार कम हो रही है और आने वाले त्यौहार के दौरान सरसों की मांग प्रतिदिन 4 से 4.25 लाख बोरी होने की संभावना है, जबकि सरसों की आवक घटकर 2 से 2.25 लाख बोरी रह गई है। बता दें कि आगे जाकर सरसों की कमी महसूस की जाएगी और इस तेल का कोई विकल्प नहीं होगा। किसानों को छोड़कर स्टॉक लिमिट होने की वजह से तेल मिल वालों, व्यापारियों और स्टॉकिस्टों के पास बहुत कम सरसों का स्टॉक है। सूत्रों ने कहा है कि विदेशों में गिरावट की वजह से सोयाबीन तेल तिलहन के भाव टूटे हैं। आयातकों ने जिस भाव पर सोयाबीन और पामोलियन तेल की खरीद की हुई थी, बाजार टूटने के बाद उन्हें आयात भाव के मुकाबले 40 से 50 रुपए किलो नीचे भाव पर अपना आयातित तेल बेचना पड़ रहा है। दूसरी ओर डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट आने के बीच इन आयातकों को अपने कर्ज के एवज में अधिक धनराशि का भुगतान करना पड़ रहा है। आयातकों को भारी नुकसान है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।